नमस्कार दोस्तों, आज हम हाईटूल हिल सिलिकॉन आईसी जिसका नंबर होता है HV3751 और उसके एक अलग अलग वर्जन होते हैं, उससे सॉफ्टवेयर किस तरह से रीड किया जाता है RX-TX लाइन से कनेक्टिविटी करते हुए। हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जहां पर हम ये सारी फाइलें स्टोर कर सके। आप ये फोल्डर कहीं पर भी बना सकते हो, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे क्रिएट करना है और उसका नाम याद रखना है कि आपने उसे क्या नाम दिया है। उसे मिनिमाइज करके रख दे। अभी हम उसे मिनिमाइज कर देंगे और बोर्ड को हमारे प्रोग्रामर से कनेक्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर RT809H प्रोग्रामर इस्तेमाल किया गया है। RX-TX लाइन जोड़कर हमें RTH09H का प्रोग्राम रन करना है। यहाँ पर हिल सिलिकॉन HV सीरीज की ICU के लिए सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो हमें वो ऑटो ISP से कनेक्ट नहीं होगी, या तो मैन्युअली सर्च करके भी हमें वो IC नंबर नहीं मिलता है। जब कभी ऐसी PCBs या माइक्रो प्रोसेसर के साथ में ISP प्रोग्रामिंग करना रहा तो हमें सिर्फ डिबग लाइन सिलेक्ट करनी होती है जो पैरामीटर सेटिंग्स में रहती है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करने पर आपका बोर्ड प्रोग्रामर से कनेक्ट हो जाता है। तो बारी बारी से आपने ये सिलेक्ट करते हुए सीरियल प्रिंट लेनी है। किसी एक सिलेक्शन में आपको सीरियल प्रिंट मिल जाएगी, वो कनेक्शन हमारा सही कनेक्शन होगा। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक सिलेक्शन करते हुए सीरियल प्रिंट लेनी है और कनेक्शन को चेक करना है। यहाँ पर RX-TX लाइन जो प्रोग्रामर से आ रही है और हमने बोर्ड के साथ में जोड़ा है, वो अगर सही नहीं है तो अलग अलग पिन इंटरनली चेंज होती है और वो कनेक्शन लाइन क्रिएट करके देता है। यहाँ पर हमें सेकंड कनेक्शन से सीरियल प्रिंट मिल गई है। इस सीरियल प्रिंट के अंदर से हमें पार्टीशन टेबल की डिटेल मिलेगी। हमें पार्टीशन टेबल का नाम फास्ट बूट चेक करना है और वहां से शुरू होते हुए आखिरी तक यूजर डाटा तक जो लाइन लिखी हुई है वो हमें कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पे EMC IC के अंदर जितने पार्टीशंस बने हैं उनकी साइज के साथ में क्या नाम रखा गया हुआ है वो डिटेल हमें मिलेगी, जो हमें हाईटूल एप्लीकेशन में लिखनी होती है कॉपी करने के लिए। उसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप पेस्ट कर दो कॉपी करके। और अरेंज कर लो कि हमें एक ही लाइन में वो सारे दिखाई दे। तो फास्ट बूट जहाँ पे लिखा है वहाँ से स्टार्ट करना है।
ये सारे पार्टीशंस के नाम हैं जो EMCIC में क्रिएट किए गए हुए हैं। आखिरी रहेगा यूजर डाटा जो हमें सही तरीके से अरेंज कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने एक फाइल पहले ही जनरेट करके रखी हुई है लेवलिंग करते हुए। ये सारे पार्टीशंस के नाम आप सही ढंग से लिख लीजिए या तो स्टोर कीजिए। ये नाम हमें हाईटूल एप्लीकेशन में एंटर करने होते हैं और साइज लिखनी होती है। अब हम हमारी एच एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देंगे। सीरियल प्रिंट क्लोज कर देना है। हाईटूल एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। ये HV सीरीज ICO के लिए माइक्रोप्रोसेसर के लिए सेपरेट एप्लीकेशन टूल है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर रीड या राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीरियल कनेक्शन दिए हैं तो हम सीरियल सिलेक्ट करेंगे और EMCIC है तो बर्न EMC सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग IC वर्जन के लिए सिलेक्शन करना होता है। ये नंबर हमें हमारी प्रोसेसर के हिसाब से वर्जन सिलेक्ट करना है। डिवाइसेस ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हमारी IC वर्जन के हिसाब से डिवाइस सिलेक्ट करना है और जो हमने टेक्स्ट फाइल में पार्टीशन के नाम सेव किए थे वो यहाँ पे हमें सारे लिखने हैं एक XML फाइल जनरेट करने के लिए। यहाँ पे पार्टीशन नेम लिखने का विंडो है। हम थोड़ी ग्रिड अरेंज कर लेते हैं। ये प्लस बटन दबाने से नए पार्टीशन नेम लिखने के लिए आपको जगह मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले फास्ट बूट रखा जाता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ ही मिल जाता है और बारी बारी से ये सारे पार्टीशंस के नेम और साइज लेंथ और फोल्डर सिलेक्ट करते हुए बिन फाइल का नाम जो पार्टीशन का नाम है वही बिन फाइल का भी नाम रखना होता है। ये सारे नाम इसी क्रम में यहाँ पे लिखने होंगे और एक फाइल नेम सिलेक्ट करना होगा जो पार्टीशन का नाम है वही सबसे पहले फास्ट बूट है उसकी लेंथ 1M तो यहाँ पे लेंथ में 1M लिखा जाएगा और दूसरे पार्टीशन को ऐड करने के लिए हरे कलर का जो बटन है उसे प्लेस करना होगा। तो यहाँ पे नंद और EMC दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। हमें EMCIC सिलेक्ट करते हुए ये काम करना होगा।
दूसरे पार्टीशन के लिए हरे कलर का जो प्लस बटन है उसे प्रेस करना होगा। ये जो सारे पार्टीशंस नेम है हमें उसी क्रम में वहाँ पे लिख के बिन फाइल का नाम देते हुए सेम नाम रखना है, डॉट बिन उसके पीछे ऐड करना है और लेंथ लिखनी है जो यहाँ पे दिखाई गई है। ये सारे नाम बिन फाइल में या EMCIC के पार्टीशंस में सॉफ्टवेयर के लिए बनाए गए हैं जो हमें सारे कॉपी करने होंगे। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं इसलिए मैं सिर्फ डेमो के लिए 3 पार्टीशन सिलेक्ट करता हूँ कॉपी करने के लिए। और वो करते हुए हमें क्या दिक्कत आती है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। आपको ये सारे नाम लिखते हुए इसी तरह से पार्टीशंस में कोड से कॉपी करने होंगे। यहाँ पे मुझे एक XML फाइल क्रिएट करनी होती है, अगर वो मैंने नहीं की तो क्या उसका एरर दिखाएगा वो देखते हैं। हमें ये सारी फाइलें कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करनी होगी, तो सिलेक्ट बटन दबाने से सारे पार्टीशन सिलेक्ट होंगे और अपलोड बटन प्रेस करने पर ये फाइल्स हमारे सिलेक्टेड फोल्डर में कॉपी होनी है। यहाँ पे हमने XML फाइल नहीं बनाई है और अपलोड बटन प्रेस कर दिया है तो हमें वो एरर देगा, हमने कम्युनिकेशन पाथ सीरियल सिलेक्ट नहीं किया था तब भी वो एरर देगा। अगर RxTX की लाइन प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है फिर भी एरर हमें दिखाई देनी है। वो बारी बारी से एक 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 ऑप्शन चेक करते हुए ये हमें एरर मिल गया, हमने XML फाइल क्रिएट नहीं किया था। कंसोल विंडो में ये सारी एरर लिखी हुई मिल जाएगी किस वजह से ये एरर आई हुई है। यहाँ नीचे कंसोल विंडो है जो मैंने मिनिमाइज किया था, यहाँ पे वो सारी एरर हमें लिख के बताता है। रीडिंग या राइटिंग करते के वक्त हमने सीरियल सिलेक्ट नहीं किया था वो सबसे पहली एरर हमारी है। दूसरी है XML फाइल हमने जनरेट नहीं की थी, हमने सीरियल सिलेक्ट किया और वापस अपलोड का बटन प्रेस किया वो फिर से हमें एरर दिखाएगा। XML फाइल के लिए XML फाइल आसानी से इसी ऑप्शन या इसी विंडो में जनरेट हो जाती है। सेव बटन जो दिया हुआ है XML पाथ के लिए जो हमें सेव करना होता है, हमने सेव किए बगैर अपलोड का बटन प्रेस कर दिया था उसकी वजह से ये एरर आई हुई है। हमें
हमारे फोल्डर में देखते हैं तो XML फाइल नहीं है, वो यहाँ पे वो पार्टीशन की फाइल चेक करने के लिए आता है, उसे वो फाइल नहीं मिलती है, इसलिए वो एरर दे देता है। तो हमें सिंपली सेव बटन प्रेस करना है उस फाइल को जनरेट करने के लिए, नाम दे देना है। आप कोई भी नाम यहाँ पे उसे दे सकते हो। हमने सीरियल सिलेक्ट कर लिया, XML फाइल तैयार कर ली। अब हमारी कम्युनिकेशन एरर, अगर RxTx लाइन लूज कनेक्टेड है या प्रोग्रामर से कनेक्टिविटी छूट गई है या कनेक्शन ओपन हो गया है तो फिर से हमें एरर देगा। तो हमें मेन बोर्ड को स्विच ऑफ करते हुए मेन बोर्ड का पावर, मेन पावर बंद कर देना है और अपलोड बटन दबाने के बाद में फिर से मेन बोर्ड को पावर ऑन करना है तो वो प्रोग्रामर के साथ कनेक्टिविटी करते हुए रीडिंग स्टार्ट करेगा। हमने तीन अलग अलग तरीके की सॉफ्टवेयर रीडिंग या राइट करने की एरर का सॉल्यूशन देखा। ये हर उस बोर्ड के लिए, हर उस सॉफ्टवेयर मेथड में काम आना है। अगर एरर आती है तो सबसे पहले हमने उस प्रोग्रामर के लिए या उस एप्लीकेशन टूल की रिक्वायर्ड सेटिंग प्रॉपर करनी होती है और सॉफ्टवेयर रीड या राइट करना होता है। जैसे ये हमारा रीडिंग कंप्लीट होगा, यहाँ पे कॉन्सोल में वो रीडिंग दिखाते जाता है। जैसे ये रीडिंग कंप्लीट होगा, हमने सिर्फ तीन फाइलें सिलेक्ट की हैं कॉपी करने के लिए। पूरा सॉफ्टवेयर या पूरे पार्टीशन कॉपी करने के लिए आपने फास्ट बूट से लेके यूजर डाटा तक के सारे पार्टीशंस और उनकी लेंथ इस एप्लीकेशन में एंटर करनी है, उसकी XML फाइल सेव करनी है और फिर अपलोड बटन प्रेस करते हुए अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेनी है। जब आपको यही फाइल सिलेक्टेड बोर्ड के लिए राइट करनी होगी तब एप्लीकेशन टूल ऑन करना है। सबसे पहले XML फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है जहां पर हमने सेव की हुई है, तो सारे पार्टीशंस वो इस एप्लीकेशन में स्टोर कर लेगा। उसके बाद आपको सिर्फ बन EMC का बटन प्रेस करना होगा। ये RxTX लाइन कम्युनिकेशन लाइन है, ISP लाइन बहुत स्लो स्पीड है। पूरा डेटा कॉपी होने तक शायद 2 या 3 घंटे लग सकते हैं और इसमें कहीं इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग अगर होता है तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर रीड नहीं होगा, उसमें एरर आएगा और जब आप उसे किसी बोर्ड को रिपेयर करने वक्त राइट करने की कोशिश करोगे तो शायद आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको सॉफ्टवेयर रीड और राइट करना है तो IC को एडप्टर में रखकर कॉपी पेस्ट करो। ये सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। यहाँ पर ये सारी तीनों फाइलें हमारी कॉपी हो गई है। जैसे फिनिश होगा हम उसका बफर चेक करेंगे, ये क्या डाटा आया या ब्लैंक फाइल कॉपी हुई। बफर चेक करने के लिए आप कोई भी हेक्स एडिटर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो। JTAG प्रोग्रामिंग,
जैसे कि आप फ्लाई लाइन वायर जोड़ते हुए अगर सॉफ्टवेयर रीड राइट करना चाहते हो तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत टाइम लगता है, और बाहरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस उस सॉफ्टवेयर में बग्स क्रिएट कर देता है जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। सही तरीका आईसी को एडेप्टर में रखते हुए ही कॉपी करे या राइट करे तो वो 100% सिक्योर तरीके से किया जा सकता है। बहुत से टेक्नीशियनों की ये कंप्लेन है कि हमारी एरर बार बार आती रहती है, प्रोग्राम कॉपी नहीं होता है या राइट नहीं होता है, तो इसकी वजह है एबनॉर्मल कनेक्शंस या बाहरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। हम जैसे इस प्रोग्राम को कैंसिल करें तो वो फिर से हमें पार्टीशन टेबल सेव करने के लिए एक विंडो ओपन करके देता है। आप यहाँ पर भी इस पार्टीशन टेबल को सेव कर सकते हैं जो बाद में राइट करने के लिए काम में आ सकता है, लेकिन हमने पहले ही वो पार्टीशन टेबल सेव कर लिया है, इस हिसाब से हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने तीन फाइल सिलेक्ट की थी जो हमारे सिलेक्टेड फोल्डर में दिख रही है। एक्सएमएल फाइल क्या होती है तो कि यहाँ पे जो हम एक एक पार्टीशन जो ग्रिड में सेव करते हैं उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है, और यहाँ से वो रीड करते हुए ऑटोमेटिक टेबल्स पूरे टेबल्स लेंथ वगैरह वापस एप्लीकेशन को दे देता है। डीन फाइल चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा डाटा कॉपी हुआ है, ब्लैंक नहीं है, यानी ये सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, सावधानी से जेटेक प्रोग्रामिंग कीजिए, कोई लूज कनेक्शंस नहीं रखना है, और जो एरर आती है उसे ध्यान से पढ़ते हुए सॉल्यूशन करना है।